देख लीजिए इस केदार घाटी में ऐसे सैकड़ों घोड़े आपको मरे हुए मिलेंगे। चल आता यार बाबा के लिए अपनी दादा खाने के लिए। अरे नहीं 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 बाबा जी देखो गंदा काम नहीं करते नशे का तो बिल्कुल नहीं। ऐसा देखो कितना प्यार से और हमें एक फैन मिला पहली बार छोटा सा। क्या हुआ रात को तेरे साथ? एक्सपीरियंस किया था रात को मैं उठा था ये हु रात मैंने कहा भाई क्या होगा क्या गया इसने उठे था दे दिया बंद कर दे आना चलते हैं किसी को बैठना तो आ जाओ। तो नाइट में हम लोग यहाँ रुके थे और यहाँ पर 10 लोगों की व्यवस्था है और 200 रुपये चार्ज किया भाई ने। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। सो हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। पूरी रात यहाँ बारिश हो रही थी तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग नहीं निकले। हम लोगों ने ट्रैक करना सोचा कि जब बारिश बंद हो जाएगी तब हम लोग निकलेंगे और कल रात को हम लोग यहीं भी रुक गए और उसकी वजह ये थी कि सब लोग थक गए थे और पता था कि लेट पहुँचे तो मंदिर भी क्लोज हो चुका था तो दर्शन होंगे नहीं इसीलिए 2 किलोमीटर पीछे रुक गए। मॉर्निंग का जो व्यू है ना वो सच में बहुत ही अच्छा है और भाई लोग अभी बिल्कुल एक्टिव है जाने के लिए ऊपर। केदार घाटी का ये व्यू सच में बहुत ही सुंदर है और नाइट के अंदर ऊपर की तरफ स्नोफॉल हुई है। आई विश मंदिर की तरफ भी हो। केदार ट्रैक पर ये वाला ग्लेशियर अभी भी बचा हुआ है जो पीछे जितने भी ग्लेशियर थे वो सारे के सारे ख़त्म और ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। अब ज़्यादा इतना कुछ नहीं रहा पर फिर भी अच्छा लग रहा है कि ग्लेशियर अभी भी है। रात को जब हम लोग कैंप में सो रहे थे तो हमारे साथ एक बहुत ही शानदार दुर्घटना हुई। तो सौरभ भाई आप बताओगे या भाई आप बताओगे पहले ये बताओ। नहीं नहीं सौरभ ज्यादा अच्छे से बताएगा। तो सौरभ भाई बताए यार क्या हुआ रात को तेरे साथ? रात को मैं उठा था ये हु रात मैंने कहा भाई क्या होगा क्या होगा इसने उठे था दे दिया। तो रात को ऐसा हुआ कि भाई को बुरा सपना आया और सपने में इनके साथ कोई चुड़ैल थी। हाँ, पहाड़ी भूतनी बोल पहाड़ी भूतनी थी। तो सौरभ ने भाई को उठाया ना तो भाई ने सौरभ के थप्पड़ जड़ दिया। तो सुबह जब पता लगा मुझे जब उठा तो इसने पूछा कि भाई तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो भाई जब बताया ना कि कहानी क्या हुई तो भाई पूरे कैंप के अंदर हम तीनों हंस रहे थे। तो भाई ये हमारे सौरभ भाई जो थप्पड़ खा के बैठे और अभी वेदर कितना क्लीन था ना यार हिमालय के दर्शन कितने अच्छे से हो रहे थे और अभी देखो बादल आ गए। तो यहाँ पर पहाड़ों के अंदर पल पल में मौसम बदलता है। एक महीने पहले आए थे तब ये ग्लेशियर इतना बड़ा था कि ये पत्थर भी शो नहीं हो रहा था और अभी देखो कि यहाँ पर ग्लेशियर सारा ख़त्म है भाई थोड़ा बहुत रहा है और बादलों की वजह से बस ऐसा है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे नहीं है साथ साथ चल रहे हैं। सुबह की बारिश की वजह से यहाँ पर देखो कीचड़ कितना हो गया और इस कीचड़ में मेन पता क्या है कि जो बूढ़े खच्चर चल रहे हैं उनका जो मलमूत्र है वो मेन फिसलन का कारण है। और लास्ट टाइम मैं दूसरे शूज़ थे ट्रैकिंग शूज़ नहीं थे रनिंग शूज़ थे तो भाई इतना फिसलन थी हद से ज़्यादा। बट इस बार जो मेरे पास शूज़ है वो काफ़ी अच्छे हैं और कम्फर्टेबल है तो अच्छे से ट्रैक कर पा रहा हूँ और यही मेरे लिए अच्छा है। और आपको भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग ट्रैकिंग शूज़ यूज़ करें। यहाँ से केदारनाथ की जो दूरी है ना वो नामात्र है क्योंकि आगे का ट्रैक बिल्कुल ईजी है। अगर जैसे आपने घोड़ा पड़ाव कंप्लीट किया उसके बाद कुछ नहीं बचता। मतलब कहते हैं ना अपनी भाषा में एक कहावत है कि हाथी तो निकल गया पूछ पूछ बाकी है। तो अब भाई सिर्फ पूछ बाकी रही है और कुछ नहीं। तो चलो जो पूछ बची है उसे भी हटाते हैं निकालते हैं। बस फिर से मौसम क्लीन हो गया और देख सकते हैं कि बादल हट रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा में हमें भाई लोग मिले नेपाल से आए हैं और आए कहाँ से हैं भैया खुद बताइए। पशुपतिनाथ से आए हम लोग। तो भाई केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट तभी मानी जाती है जब आप नेपाल यानी कि पशुपतिनाथ के टेंपल में जाकर ये यात्रा वहाँ दर्शन करोगे तभी आपकी पूरी होगी। तो भैया आपने देश का फ्लैग लेके आए हैं और यहाँ बाबा के दर्शन करने आए हैं। हम बाबा के दर्शन करने के लिए जा ही रहे थे तो रास्ते में हमें ये देखने को मिला और एक जो बुरी चीज़ जिसकी वजह से मैं आया हूँ यहाँ पर वो सामने देखिए घोड़ा पानी के अंदर मरा हुआ पड़ा है। ये सिर्फ जितने भी यूथ हैं जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं या फिर मुझे अपना इंस्पिरेशन समझते हैं
तो मैं उनसे यही कहूँगा कि यार ट्रैक करो, वरना देख लीजिए इस केदार घाटी में ऐसे सैकड़ों घोड़े आपको मरे हुए मिलेंगे, और इनकी वजह कोई और नहीं, हम सब हैं। यहाँ केदारनाथ के ट्रैक पर ये देखिए, ये एक और बच्चा है जो पैदल ट्रैक करके आया। आप सभी ट्रैक करके आए हो? एक महीने आपकी पूरी फैमिली है, और ये देखो, ये देखिए इनके साथ एक और बच्चा है, इसने भी पैदल ट्रैक किया है। भाई शर्म करो जो खच्चर यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा शर्म करोगे ना तो पता नहीं कितने खच्चरों की जान बचेगी। सो फिलहाल हम हेलीपैड के पास पहुंचे हैं, और यहाँ पर देखिए बादलों की वजह से हेली सर्विस बिल्कुल बंद कर दी गई है। यहाँ पर यात्री वेट कर रहे हैं हेलीकॉप्टर का। तो यहाँ पर जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनका वेरिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है। सो वेरिफिकेशन हमारा हो गया और ये मिला टेंपल के बिल्कुल सामने है। और यहाँ पर देखिए इस सर्कल पे, और यहाँ पर, यहाँ पर अब यात्रियों के लिए बरसात के लिए शेड लगा दिए गए, और यहाँ से टेंपल वाइब बिल्कुल व्यू नहीं दिखाई दे रहा। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो बादल है तो कुछ भी व्यू नहीं हो रहा। भाई पिट्ठू पे किसी को बैठना है तो बच्चा बैठा सकता हूँ, बड़ा नहीं बैठा सकता। नहीं नहीं हम तो बैठने वाले हैं। चलो मुझे बेस कैंप तक लेके चलिए, कितना लीजिएगा भैया? आपको फ्री है बिल्कुल, महादेव की नगरी में बिल्कुल फ्री है। बेस कैंप तक 1000 लगेगा बोलो। कितना? 1000 बेस कैंप तक का। और नीचे तक का कितना लेना है आपको? लगेगा नीचे तक 60 किलो का आपको 7-8000 लगेगा। 7-8? हाँ जी भाई। इतना पैसा? हाँ जी जी। वो अमीर बंदा ही देगा, हमारे पास नहीं है भाई। चलते हैं, किसी को बैठना तो आ जाओ। जो वर्क है ना वो सच में बहुत हार्ड है। तो भाई ये पिट्ठू भाई बहुत हैवी है, कम से कम 10-12 किलो आराम से है। तो जितना हम बैकपैक लेके चलते हैं ना उतना भाई वेट लेते हैं, उसके अलावा 60-70 किलो वजन। भाई सैल्यूट आपको। ये हमें कह रहे हैं कि इसमें बैठो, हम आपको उठाएंगे। कमेंट करना आपका नाम क्या है? आदित्य भट्ट। आदित्य भट्ट। तो भाई हमें उठा रहे हैं, और हमें एक फैन मिला पहली बार, छोटा सा। तो भाई छोटा फैन लेकिन पहला फैन, काफी अच्छा लग रहा है। उठा तू। आइए तो उठा के यार, इतने लोग उठाएंगे एक साथ? आज मैं भारी नहीं हुआ भाई, थोड़ा बजे मैं खड़ा हूँ। समय दिन पैर ऊपर करो। थैंक यू भाई। भाई यार मजे आ गए ना डोली में? है तो मजे, लेकिन ये मजे हमें नहीं लेने, बच्चों को और बुजुर्गों को, उनके लिए बेस्ट है। आपका नाम क्या है? राजन ठाकुर। राजन ठाकुर, थैंक यू भाई। हर हर महादेव। तो पूरा दिन घूमने के बाद यहाँ भैया की शॉप पर पहुँचे हैं। यहाँ भैया जलेबी बना रहे हैं, समोसे भी हैं, और देख लीजिए कुछ इस तरह से माहौल है। खाना रेडी है, और यहाँ पर पनीर कड़ी, कड़ी पनीर या जो भी है, भिंडी, तंदूरी रोटी, और ये दही। और ये लोग दही नहीं खा रहे, कहते बहुत ठंडी है भाई। तो हम तो ठंडी हो चाहे गर्मी, दही तो खाएँगे। खाना ओवरऑल ठीक ठाक है, दही सबसे अच्छा है, और बाकी सब्जियां ठीक ठाक है। हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हूँ, और मंदिर का जो दरवाजा है अभी बंद किया हुआ है। और ये हमारे नंदी महाराज, देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी
जो श्रद्धालुगण है वो बहुत कम है। और नंदी महाराज जी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, यहाँ पर भोग लग रहा है और इस वजह से जो मंदिर के कपाट अभी के लिए बंद किए हैं और आधे घंटे बाद सब लोग दर्शन कर सकते हैं। तो हम जब तक मंदिर के कपाट खुलते हैं तब तक हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग दोबारा यहाँ पर आएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा जी से हम फिर से मिल चुके हैं, हम लास्ट ईयर मिले थे बाबा जी से, इस बार फिर से। कैसे हो बाबा जी? अरे महादेव बाबा जी, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर नदी का उफान देखिए कितना तेज है। और इस पुल को क्रॉस करने के बाद आपका जो ट्रैक है वो 1 किलोमीटर का है, कुछ ज्यादा नहीं है, इजी ट्रैक है। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ भैया चाय बना रहे हैं, ब्लैक टी। कौन सी टी है भैया? भैरव बाबा स्पेशल ब्लैक टी। भैरव बाबा स्पेशल ब्लैक टी। तो ये हमारे भैया भैरव बाबा के बहुत ही प्यारे, और ये पूरे रास्ते के दौरान अगर आप सोलो हो ना, यानी कि अकेले हो, तो ये आपके साथ चलेंगे। तो भैरव बाबा स्वयं आपके साथ चलते हैं इस ट्रैक के ऊपर। भी आप अकेले हो ना तो ये आपको कभी अकेला नहीं होने देंगे। सही बोला बाबू जी, मैं लास्ट ईयर आया था, मेरे साथ साथ चलाइए। ऐसा देखो कितना प्यार से। दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो हर बार की तरह हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, पंडित जी ने बेलपत्तर पैसे और चुनरी वगैरह दिए, तो काफ़ी अच्छा लगा कि हमारे दर्शन भोलेनाथ के हमेशा ही अच्छे होते हैं। केदार बाबा की नगरी में एक और देखो डॉग लवर जो अपने डॉग को साथ यहाँ दर्शन करवाने के लिए लाए। हाँ जी पंडित जी हाँ जी, बाहर का रहने वाला है? नहीं पंडित जी, राजस्थान से हूँ मैं। लाया बाबा के लिए कुछ? बाबा के लिए हम खुद आए हैं। अरे तो लाता यार बाबा के लिए, अभी बकरी लाता खाने के लिए यहाँ? अरे नहीं 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 बाबा जी, देखो गंदा काम नहीं करते, नशे का तो बिल्कुल नहीं। तो तू नहीं करता तो बाबा तो करते बेटा। नहीं बाबा नहीं करते, गलत बात है। बाबा ने विष पिया था ना कि भांग का नशा करते थे, गलत बात है। बाबा जी आप गलत चीज़ें फैला रहे हो, सही बोले ना? नहीं बाबा जी, ऐसा आपको ज्ञान नहीं दे सकते, आप सृष्टि में ज्ञान बांटने के लिए आए हो, हम आपको थोड़ा ना ज्ञान देंगे। पर मैं तो कह रहा हूँ कि शंकर भगवान ने तो विष पिया था। धन्यवाद बाबा जी, हर हर महादेव। हम लोग भीमशिला के जस्ट सामने हैं और यहाँ पर देखिए बाबा जी के श्रद्धालु। तो यहाँ भीमशिला में यहाँ पर हमें कुछ पहाड़ी लोग मिले हैं। भाई कहाँ से? उत्तरकाशी से। तो बाबा के दर्शन करने के लिए पहली बार आ रहे हो या बार बार आ रहे हो? पहली बार। भीमशिला के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं शंकराचार्य जी की समाधि स्थल की ओर। तो यहाँ केदार नगरी में लोग अपने सपनों के घर बनाते हैं, और यहाँ पर देखिए हमारे सौरभ भाई ने भी ये घर बनाया है। तो सौरभ भाई ने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है। भाई क्या बनाया है ये? केदार मंदिर। अरे वाह, तो लोग यहाँ पर आकर अपने सपनों का घर बनाते हैं। हमारे सौरभ भाई ने केदार मंदिर बनाया है।
ऐसा भी होना चाहिए। तो ये यहाँ की पौराणिक मूर्तियाँ, और वहाँ पर देखिए कुछ छोटी छोटी बर्ड्स वहाँ पर दाने चुग रही है। सबके हमने दर्शन कर लिए, अब देखिए यहाँ आरती का समय हो चुका है, यहाँ आरती शुरू हो चुकी है। और भाई लोग देखो हमारे भक्तजन, इनकी खुशियाँ। बाबा की नगरी में सबके सब लाइव आए पड़े हैं। लाइव मैंने आने की भी कोशिश की, लेकिन कनेक्ट डिस्कनेक्ट और फिर रीकनेक्ट, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। हमें सब जगह के मिले, अब हमें आसाम के लोग भी मिल गए हैं। सो हर हर महादेव, कोलकाता बाबू मिले हैं। तो भाई कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और मेन बात मुझे इनसे एक चीज़ अच्छी लगी कि ये लोग ट्रैक करके आए हैं सबके सब लोग। हाँ। तो कोलकाता से आकर ट्रैक कर रहे हैं, और दिल्ली वाले भाई खच्चर पे क्यों चढ़ रहे हो भाई, तुम लोग भी ट्रैक करके आओ यार। हर हर महादेव, बाबा जी आरती लेकर आए हैं हर बाबा की नगरी में। मैं जा ही रहा था, फिर से हमें एक और भैया मिले। भैया सिंगर है, और इनका फेस कर देखिए यार, हंसराज पाजी का फैन हूँ। वाह भाई, थैंक यू भाई। तो भाई कौन सा गाना सुनाएंगे हमें? गाना क्या बताएं, बाबा का भजन सुनाइए फिर। शिव समा रहे मुझ में और शून्य हो रहा। जब बाबा के पास आए हैं तो बोले बाबा जी दर तेरे मैं आया जी, झोली खाली लाया जी, खाली झोली भर दू जी। वाह भैया, हर हर महादेव, 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 हर हर।